जी बिस्मिल्लाम इमाम बुखारी का दौर उन फितनों का शिकार नहीं था कुरून के का ही दौर है या उसका करीब तरीन जो जमाना है उसके अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हुई हैं वो ये है कि बात ऐसी जो जो हैं वो चीज़ें कही गई जो शरीयत के बिगाड़ के रस्ते खोलती और उसमें जो अहम चीज अहम तरीन चीज़ थी वो ये थी कि जब अल्लाह ताला की हिदायत हमारे लिए काफ़ी है तो अल्लाह ताला ने बाकी साहित्यें जो हैं तो हमें कुरान मजीद में बार बार हमें हुक्म दिया गया है कि बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि इन अगर चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप जो है वो गलत काम करते हैं जैसे कि मोमिनों की सिफात में आया है जादुक के रू ब आयात रब हिम लम यखिर सुब कि जब उन्हें अल्लाह की आयतों के निशान नसीहत की जाती है तो उस पर वो अंधे बहरे होकर नहीं गिरते हैं। क्या मकसद है कि वो उसमें बदला गौर फिक्र करते हैं उसके गौर फिक्र के बारे में उसकी गहराइयों तक पहुँचते हैं उसके जो मकासद हैं वो उन उनके, उनके सामने खुलते हैं फिर उसके लिए जो उसका तरीक़ार है उसके इस्तेमाल का वो सारे का सारा जो है वो मौजूद है देखिए शरीयत ने इसीलिए अल्लाह ताला की हिदायत कुरान मजीद में शक्ल में जो मौजूद है वो भी हकीकत में एक अमली ज़िंदगी है लेकिन उसकी तफसीली अमली ज़िंदगी वजाहतों के साथ जो है और उसके वो पहलू जो कुरान मजीद में उस तरह उजागर नहीं थे नबी अक्रमली वसम की कलाम में वो सारे के सारे उजागर हो गए हैं वो अलग मसला है कि इमाम शाफी का जो है तस्वुर यह है कि जो सुनत है वह कुरान मजीद ही की तफसील हैुरान मजीद का ही बयान है ये कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें जो आपको इजाफे नजर आते हैं वो सारे के सारे बयान में शामिल हैं और इसके लिए मैंने आपको जो है वो सूरत बकरा की जो आयत है ना यूबई लानमाही यूबई माही इसकी तरफ इशारा किया था कि अगर वो जो हुक्म था ना गाय जबा करने का तो वो गाय ज़बह कर देते मामूली जो है वो बात कुरान मजीद में कहता है भी है कि भाई ना इन यानी उनका असल में यह लफ्ज जो था ना कि कि हम इन शह हिदायत पाने वाले हैं इस लफ्ज़ ने असल में जो है वो उनके लिए रास्ता आसान किया है वरना वो सूरत जो है उन्होंने जो पैदा कर दी थी ना वजात कीजिए जी वजात कीजिए जी वजात में हुआ, हुआ क्या है कि शरूत का इजाफा होता रहा है पहले जो है वो उम्र का मसला पैदा कर दिया ला लाफारजों ला बिक्रवाई नजारे फिर उसके बाद उसका रंग का मसला पैदा कर दिया क्या उसने हल चलाया हुआ क्योंकि यहाँ मुराद बकरा से मुराद कोई यानी मुनस नहीं है बकरा जो है वो इसमें जिन्स है मकसद यह है कि मुराद इससे गाय की जिन्स मुराद है बैर हो या गाय हो तो बैर जो है वो हल जूतने के भी काम आता है बेशुमार चीज़ों के काम आता है ताकि जितने भी ताकत के काम हैं पानी नीचा हो तो उसमें जो है वो हलट जो है वो चलाकर पानी जो है वो ऊपर फेंका जाता है और ये काम भी जो है वो बैलों से लिया जाता है अगर इंसान भी करते हैं लेकिन इसके लिए बहुत ताकतवर लोग जो है वो काम करते हैं अब आजकल तो वह ताकत की बातें रहे कोई नहीं तो ये सारे के सारे काम जो है ये बैलों से लिया जा लिए जाते थे इसी तरह आप देखिए कि कोलू से तेल निकालने हों बीजों से या इस तरह की चीज़ों से ये सारे कोलू जो है उनके अंदर बैल जो है वो जूते जाते हैं तो कहने का मेरा यहाँ मकसद जो है वो ये है कि गाय के साथ लफ़ बयान से उन्होंने जितने भी इजाफे किए हैं ना कुरने मजीद के मुताबिक हदीस का जो ताल्लुक है वो कुरान से जूँ है जितने इजाफे हैं वो तमाम के तमाम कुरान मजीद के ही असल में तफसीलात है और वह तफसीलात वो हैं जिससे अमल जो है वो मुकम्मल होता है और इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि एक जो पहलवान है वह अपने शागिरद को जब कुश्ती सिखाता है इखाड़े में किसी से मुकाबला करना तो जब तक वो इखाड़े में आकर जो है वो लोगों से कुश्तियाँ लड़ता नहीं है वो कभी कुश्ती का माहिर नहीं होता खाली उसको सिखा देना कि भी यूँ जोर लगाना है यूँ जोर लगाना है बात इससे नहीं बनती तो असल में वो चीज़ें जो अमल से मुतलका होती हैं वो उस वक्त उस्ताद को भी पता नहीं होता उससे फिर तैरना सीखते हैं फिर उसके बाद जो है वो ज़्यादा पानी में भी इंसान तैर सकता है तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो लफसे बयान है ना इसके साथ वो तमाम तफसीलात जो अमली हैं जिसके अंदर मसरतें और वो तमाम तरीके जिन तरीकों को इस्तेमाल करके जो है वीज़ इस, इस को सही तरह दुनिया के अंदर जारी और सारी किया जा सकता है जिसे हम नफाज कहते हैं या उस, उसकी अमलदारी हो सकती है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वह सुन्नत के साथ मुकम्मल हो जाती हैं इसलिए शुभमा अलिना बयाना कुरान मजीद के एक लफ्ज़ के ज़रिए सारा कुछ लेकिन वैसे तो ये लफ्ज़ जगह जगह इस्तेमाल हुआ है जैसे कह कि मानजल्ला जिक्र है तोब्स मानल हमने तेरी तरफ जो है जो बई उतारी है वो इसलिए है ताकि तू लोगों के लिए वज़ातों के साथ जो है वो इसको वादे करे अगर ये वो जो वज़ात है वो भी वही के जरिए से होती है लेकिन ये होती है कि वजातों के साथ इसलिए वहाँ लफ्स बयान जिक्र हुआ है और इसी तरह बननाकल किताब तिबियान अल कोल्लिश यहाँ जो है वो बयान से भी ऊपर है तिबियान क्योंकि अल्फाज का इजाफ़ा जो है वो मानी के अंदर जो है वो मजीद मुबालक पैदा करता है तो तिबियान से मुराद यह बहुत बजाते हैं तो इन सारी चीज़ों से मुराद जो है वो असल में सुनती है इसीलिए कुरान मजीद के अंदर ये जो अल्फाज हैं ना क़द अनुकुम ज़िक्रा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़िक्र उतारा है ज़िक्र से मुराद तो हर वही है लेकिन उसके बाद ज़िक्र जो है ये हमारी ग्रामर की इस्तेमाल में मुबदल मनू है और मुबदल मिनहू का बदल होता है बदल असल मकसूद होता है यानी एक जो है वो लफ बोला जाता है बतौर तमहीद और फिर उसके बाद असल जो मकसूद होता है वो जिक्र कर दिया जाता है तो यहाँ जो रसूल है वो बदल है और जिक्र जो है ये मुबदल मिनहू है तो माना क्या है कि अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जो है वो वही उतारी है और वो वही क्या है रसूलन युम आयात ही मुबै न वो रसूल है बई से मुराद वो रसूल है जो तुम्हारे ऊपर जो है वो अल्लाह की आयतें तलावत करता है मुबै नातिन और उन आयतों से मकसूद क्या होता है कि वो पहली चीज़ों की तफसीर पेश करनी होती है यानी मतलब है जो अल्लाह की तफसी वही है उसकी जो तशरी उसकी तफसील उसका बल्कि सही तरीन उस उसकी वजाहत और बयान वो सुन्नत होती है तो इसलिए सुन्नत को जो लोग नहीं समझते उसकी बुनियाद को वो फिर इनकार कर जाता है हालांकि सुन्नत के बगैर तो क़ुरान मजीद जो है वो आ, समझना मुश्किल है तो इसीलिए ये हमारे यहाँ जो लोग नहीं सुनत की हकीकत और अहमियत को जानते बड़ा इस लफ्ज़ पर एतराज है कि सुनत जो है वो कुरान पर काजी है अमीन ने बड़ा इस पर शोर मचाया कि सुनत कुरान पर काजी कैसे हो सकती है जो कि उनका उनके नजर सुनत की हसीियत कोई नहीं है इसलिए हालांकि भाई आप देखिए कि दुनिया के अंदर एक चीज कमतर होती है लेकिन फैसला उसके हाथ में होता है उस, आपको मिसार ये दे सकता हूँ कि दस्तूर है आपका दस्तूर है और दस्तूर दु, जो है ये पूरे मुल्क के तमाम इदारों के ऊपर जो है वो हावी होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इसकी तहरीर करती है तो वो तहरीर जो है वो हावी होती है उसकी, उस, उसकी तहरीर वो होती है जो सुप्रीम कोर्ट करती है तो क्या मतलब कहने को दस्तूर जो था वो हावी था लेकिन अमली तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट हावी है और यही बिगाड़ हमारे यहाँ पैदा हुआ है कि जब हमारे यहाँ डॉक्टर नसीम असन शाह और उसका पूरा ख़ानदान जो है वो असल में ये लोग भटके हुए लोग हैं उसने जब वो फैसला किया है मार्च जो है वो यानी जुलाई दो हज़ार जुलाई उन्नीस उन्नीस सौ बानवे के अंदर उसने पूरे के पूरा दस्तूर के अंदर ये चीज़ ख़त्म कर दी है वो कहते हैं कोई दस्तूर के अंदर ना आपस में टकराव कर ख़त्म करने का हमें इख्तियार है और ना जो है वो हमें सिर्फ एक बात है किसी चीज़ की बुनियाद पर हम हम और किसी चीज़ को हम तरजीह भी नहीं दे सकते यानी किताब तो को भी हम तरजीह नहीं दे सकते शरी को भी हम तरजीह नहीं दे सकते इसी चीज़ पर तो उ, 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 उसके बाद इस फैसले ने जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर मजाक बना दिया है यानी शरीत के नफाज का तो तसवर ही नहीं किया जा सकता इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके खिलाफ जो है चुके अब कोई नहीं हुई इसलिए वो अथॉरटी बन गया हुआ है यही वजह कि पाकिस्तान के इस अंदर इस्लाम दाफिल नहीं हो सकता जितना तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका बुनियादी जो जरिया है वो कानून है अभी चूंकि सवाल ये कर रहे थे कि कानून और अदल में फ़र्क क्या मैंने कहा कानून तो सिर्फ बंदिशों का नाम है किसी को पाबंद कर देना कानून के माने पाबंदी के हैं किसी को पाबंद कर देना ये कानून है और अदल का माना किसी को पाबंद करना नहीं है बल्कि अदल का माना ये है कि इनके हकूक और फ़रज़ का सही सही तयन करके इनके सामने रखना कि भाई ये तुम्हारे हकूक़ हैं और ये तुम्हारी जिम्मेदारी हैं उसके मुताबिक चलोगे तो तुम्हारी सलाहितें भी खुलेंगी और मुआरा भी जो है वो तो तुम्हारे साथ मुआवन होगा और तुम अपनी सलाइतों को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकोगे जब कानून आ गया तो बंदिशें सारी लग गई तो लेकिन जी था से देखा जाए तो इंसान कभी भी अदल अदल दे नहीं सकता जो इंसान कानून बनाएगा उसमें कभी भी असर नहीं आ सकता इंसानी कानून में तो इसलिए ना कि असल में बात यह है कि इंसान को पता ही नहीं दूसरी बात आप देखिए ना हम तो लोग गुजरते हैं दिन रात अब ये जो कानून साजी होती है दिन रात क्या होती है हुक्मरान पार्टी जो होती है वो उसकी अक्सरियत तो होती है और वो जबर किए जा रही है हर हर चीज़ जो है छोटे छोटे कानून बना के कुछ का कुछ बन जाता है वो जो कहने को आपका कानून होता है ना वो कुछ का कुछ बनकर जो है वो तमाशा बन जाता है हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता तो ये तो खैर एक बात कानून की है दूसरा जो है वो अदालती निज़ाम के बारे में मैं चूंकि ये बात आपको वाजे कर चुका हूँ अदालती निज़ाम भी हमारे मुल्क का मजाक है बल्कि कल मैं एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से बात कर रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये बताइए कि इस मुल्क के अंदर जब तसवरी यह है कि मुखास्मत जो है वो सामने आए यानी इस मुल्क में कोई भी अगर मुकदमा पेश होता है तो सवाल क्या पैदा होता है कि सबसे पहले जो इसका मुखालिफ है उसको लाओ और वो होता है असल में उसका मुखालिफ जिसने उसको मजबूर किया होता है अपनी ताकत की मजबूरियों से और वो फिर जो है वो ताकत जो है उस उसका जबर ख़त्म करने के लिए अदालत में जाता है तो सबसे पहले उसे ले आते हैं कि भैयाओ आ तुम मैदान में आ जाओ जब वो मैदान मैदान में आ गया अच्छा अब उनको बराबर कर लेते हैं बराबर करने के बाद होता क्या है कि उसमें जो जितने भी गवाह पेश किए जाते हैं जो सबूत लाए जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अपनी तरफ से झूठ होते हैं सिवाए दस्तावीज़ा के लेकिन दस्तावीज़ा भी बहुत कुछ बनाई जाती हैं लेकिन वैसे ये कहते हैं कि जो है वो दस्तावेज जो है ये झूठ नहीं बोलती लेकिन लोग तो वो झूठ बोलते हैं यानी कोई गवाह जो है वो कभी वो हो ही नहीं सकता जो गैरदानदार हो इस जगह पार्टीबाजी है किसी को चस्का के पार्टी यहाँ कूद कर जो है वो अपने आप अपने, अपने आप की और अपने ख़ानदानों की तबाही करवाए तो इसलिए हमारे शरीयत के अलावा तो कानून शादी में तो तस्वर इंसाफ का है ही नहीं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि असल में ये जो बुनियादी बरतानिया है मैंने आपको बताया था कि असल जो बरतानिया ने किसी हद तक जो है वो बुनियादों को दिया है बाकी फ़्रांस में भी जबर है निपोलियन ने जो बना दिया वो उसके सारे पाबंद हैं अमेरिका में भी कन्वेंशनों के नतीजे में जो इजमत के नतीजे में जो कुछ उन्होंने पास कर दिया इजमत में कोई इनमी गुफ्तु होकर तो पास नहीं होता होता क्या है कि हुआ बाद में कलारदाद की शक्ल में जो है वो चीज़ पेश कर दी वो वो जो बनाई जाती है वो पास भी हो जाती है तो इस, इसकी कोई हकीकत नहीं होती इसलिए सारे का सारा ये जुल्म जबर है अगर अगर इंसाफ़ है तो सिर्फ इस्लाम में है इसीलिए इमाम बुखारी जो आयत लाए हैं ममल यक माजल्ला फ़ौल कहु मु म लाये है ला और ये बताया है कि म जो है उसका इलाज सिवाय शरीत के कुछ नहीं है चलिए खैर ये तो मैंने आपको क़ानून का इसलिए आपको बताया है कि किमूम जो गुमराई है ना जब वो आती है तो वो कानून के लफज से आती है कि जी जिस चीज़ को आपने नाफिस करना उसका कानून बनाओ और वो कानून जो होता है वही असल में सबसे बड़ा जुल्म होता है तो क़ुरान मजीद ने तो बल्कि नबी का मिशन ये बताया है ना कि वाउन हम इसम वाली कान तम फल आमन वही वजू हो व नू हो व तबाउन नूरल उन दमाऊँ कितने कुरान मजीद है अल्लाह की कला में कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं है ना कि वो लोग जो उस पर ईमान लाए हैं जिन्होंने उसको तकवीत दी है उसकी मदद की है और उस रोशनी की पैरवी की है जो उसके साथ उतारी गई है यानी नबी के साथ जो रोशनी होती है वो किसी के पास नहीं होती कुरान मजीद के अल्फाज भी रोशनी है और फिर जो नबी अकरम वसल्लम की अपनी ज़िंदगी है वो बहुत बड़ी तोसी है तो इसलिए मेरे नज़दीक ये आयतें जो हैं ये किसी की गलत दलील नहीं है खाम खा लोगों ने इन आयतों को इखिलाफी बनाया हुआ कद जाक को मिनल्ला नूरुम व किताबुम मबीन हकीकत में ये नबी अक्रमली वसलम की वो शान है जो बयान की गई है तो इसलिए यह कहना कि कद को मिनल्ला नूरों व किताब मबीन नूर से मुराद जो है वह मोहम्मद नहीं है बिल्कुल गलत है मोहम्मद ही मुराद है लेकिन मोहम्मद सलसल के साथ चूँकि किताब है और वो किताब जो है वो आपकी रोशनी है और उसके बाद आगे लफज मौजूद है अज्जाको बिन अल्लाह नूरू व किताब मुबीन यादी बिहिल हो वन तबाराना हो अल्लाह इसके साथ जो है वो हिदायत देते हैं दुनिया दुनिया के अंदर रोशनी फैलाते हैं नबी का ये मिशन है तो इसलिए मिशन मुराद है देखिए बात यह है कि यहां जात नबी की जात के साथ ही मिशन कायम है नबी की जो अपनी जात है वही चलता फिरता कुरान है वो भी खुद मिशन है तो इसलिए इन अल्फाज में जो है ना मुखाता ना था जैसे तुम्हारे कह दिया जी कि अपनी जात तो आपसे ज्यादा प्यारी मालूम होती है तो यही बात समझाई थी कि यहां जात का और जो है वो मिशन का फर्क ना करो नदी की जात जो है वो इतनी प्यारी होनी चाहिए कि वहां वही मिशन है हमारा तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत में मौजूद हैं अच्छा एक तो ये नुक्ता जो है वो आपके सामने आ गया अच्छा दूसरा नुक्ता जो है वो चूंकि हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर ये बहुत बड़ा बिगाड़ है और इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में कुछ पता नहीं है और इसके लिए उन्होंने अल्फाज ऐसे बनाए हुए हैं कि एक तो उन्होंने रिवायत को कंडम करने के लिए जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है लफ्स दिरायत तो वैसे तो दिरायत का माना होता है खास पहलू से किसी चीज को देखना लेकिन एक खास पहलू से जब किसी चीज को देखा जाता है तो बाद उसके अंदर जो है वो गहराई आ जाती है तमाम पहलुओं से देखें तो एक सरफी नजर होती है लेकिन अगर एक खास पहलू से देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो दरायत आ जाती है तो दरायत का असल मकसूद भी होता है कि जो चीज़ रिवायतन पेश की गई है जिसकी खबर दी गई है उस उसका जायज़ा लेना और उस उसका जो जायजा है सबसे पहले उसका जायज़ा जो है वो उन तरीक़ों से होता है जो फन हदीस में है क्योंकि फन हदीस का ताल्लुक फन रवायत से है और रवायत की जो तहकीक होती है वो फन हदीस का काम है और उसके अंदर जो पहली चीज़ है वो क्या है कि आप अदा का जो सिलसिला है इसको समझें यानी हदीस की जो असल बुनियाद है ना वो अदा है बाकी रह गई अशतलाहत वो तो असल में सिर्फ ताबीर के लिए होती हैं कि आपने ये इस मुक्र कर ली लेकिन उसके बाद असतलाहत के अंदर जो है वो इतना बिगाड़ पैदा कर दिया जाता है कि उनका बहूम कुछ का कुछ बन जाता है अब आप देखिए ना कि यही जो लफ्स है लफ्स इतिहाद ये नहीं अगरचि मैंने आपको ये बताया था कि कुरान हदीस के अंदर तो इश्तहाद इस तरह इस्तेमाल ही नहीं हुआ वहाँ तो हमारी अक्ल व बसरत और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल है लेकिन अगर हम उस तारीफ़ को देखें कि जिसका माना यह है कि इंसान भरपूर कोशिश करे और भरपूर कोशिश के बाद जो है वो किसी नतीजे तक पहुँचे तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए लफ्ज़ लफ्स जो है अगर उसको बतौर अजला इस्तेमाल किया जाए तो उसके माने गलत नहीं है सही इस्तेमाल है लेकिन फिर इसको इन्हीं में दे रहने दें उसको फिर बिगाड़ यूँ पैदा किया गया है कि इश्तहा से मुराद वो जो सूझ बूझ की कोशिश थी ना कि अल्लाह तला के जो अहकाम हैं उनको समझा जाए उनको जो सूझ बूझ की जो कोशिश थी उस कोशिश के अंदर जो है वो फिर गड़बड़ पैदा की गई है सबसे पहले गड़बड़ है कि वो जो तो सिर्फ एक इतलाक़ी अमल था उसके बाद इतिहाद के, के नतीजे में जो है वो एक फिर राय कायम हुई वो राय भी बुरी नहीं है अगर वो एक राय की राय रहे हमारे अकायद जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है वो इतहादात के बाद जो हमारी राय बनती है उसी को हम अकीदे का ना देते हैं लेकिन जो असर राय जो मजमूम है वो ये है कि राय को जो है वो एक तो दायमियशियत दे दी जाए और वैसे दुखे तो दिए जाते हैं लफ्ज बोला गया है तखरीज का लफज कि जी हाँ तखरीज है और शाह वली ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी असल में उसकी वजाहत कर दी है कि इसका मकसूद ये है कि ये लोग एक राय से फिर आगे आरा निकालते चले जाते हैं और वो आरा जो है वो आपस में टकरा रही होती हैं और फिका के नाम पर जो है वो लाखों करोड़ों इख्त हो रहे होते हैं और हम आराम से बैठे होते हैं इसलिए जब हम बात शुरू करते हैं तो फ़िका से शुरू करते हैं तो फ़िका की सारी खराबी यह है कि फ़िका का ताल्लुक जो है पेश आमदा मसला से जो है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर दूसरी खराबी यह है कि जब तक मसला पैदा ना हो पेश ना आए उस वक्त तक जो है वो उस मसले के बारे में शर, शरीयत के अंदर इतिहाद करना जो है इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसीलिए इमाम शाफी वगैरह ने कह दिया ये तो ऐसी है जैसे कि हमें फ़ायजत के लिए जाना पड़ता है हमारी मजबूरी है लेकिन अगर मसला पैदा नहीं हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खाम खाही शरीत के अंदर बिलावजा जो है वो मसा इसीलिए उसको फ़िकत तकदीरी का नाम दिया जो है वो दिया गया है और से जो है वो आहराय ने जो फ़िकत तकदीरी ईजाद की है मफरूज़ों पर और अगर उसकी आप मिसालें पढ़ें तो आ मेरे ख्याल में वैसे ही हंस हंस का रात दौरे हो जाएँ कि कैस कैसी कैसी मिसालें जो हैं वो दी गई हैं कभी अगर कुत्ते का जो है वो बकरी के साथ जो है मिलाप करवा दिया जाए और उसे जो बच्चा पैदा हो उसका सर जो है वो अगर कुत्ते का हो धड़ जो है ये बताइए कि वो हलाल होगा क्या आराम ये ना तो हो सकता है और ना ये मसाइल है ये सारे मफरूजें हैं और इस तरह से इस शरीत को जो है वो खेल बना दिया गया तो इसलिए जो लोगों को मसायल पैदा होते हैं वो तो हकीकी मसायल पैदा होते हैं उन हकीकी मसायल का हल करना जो है वो शरीयत का काम है और तीसरी बात मैंने आपको जब बताई थी वो ये है कि ये कज़ा के नाम पर चूँकि राय का बुनियादी असूल जो है वो ये है कि जब फैसला आ जाए फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है ना किसी की कोई गवाही हसीियत रखती है और ना को किसी का निकाह कोई हसीयत रखता है ना किसी औरत की रजा की कोई असीयत है बस ये कि फ़ैसला आ गया तो खुद ब खुद निकाह भी हो गया वो औरत जो है वो अपने आप बीवी भी, 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 भी बन गई अब ये बताइए कि शरीत के नाम पर यह तमाशा हो रहा है कहाँ है औरत की रजा का मसला लेकिन जब इंसान जो है शरीत के नाम पर यह काम करता लगे है अलग सरी जो हज तरीकी की ये जो बात है अब तो हज तरीकी बात की बात अल्लाह के रसूल के मुनाफी जो है वो नहीं है लेकिन हर तरी ऐसी बात कर ही नहीं सकते ये साबित तो चीज ही नहीं है एक चीज़ जो है मैं दरमियान में आपको जेन में आ गई है बता देना चाहता हूँ कि ये जो आहकाम शरिया के लफज इसके अंदर भी एक बड़ा बगावता है शुरू से ही असल में हुक्म से मुराद जो है वो ले ली जाती है फिका हालांकि उसूली जो है वो कहते हैं कि फिका जो है वो हुक्म नहीं होती हुक्म असल में अल्लाह के उस खिताब का नाम है जिसके ज़रिए से हमें अल्लाह की रज़ा जो है वो मालूम होती है मुतालिक अल्लात व्याफ़ारबाद और वो खिताब जो है वो कुरान कुरानदीस होता है तो इसलिए जो असल अहकाम है शरी वो कुरान कुरानदीस है शुरू में ही उन्होंने फिका को जो है वो हुक्म शरी करार देने के बाद बिगाड़ पैदा कर दिया तो इसलिए ये बहुत बड़ा बिगाड़ है और दूसरी बड़ी जो बात है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जितनी है ना उन का इस्तेमाल जो है वो कुछ का कुछ बना दिया गया यानी इमाम शाफी का नाम तो आ जाएगा कि इम शाफी इमाम शाफी क्यास को भी मानते हैं और इमाम शाफी जो हैं वो इजमा को भी मानते हैं लेकिन इमाम शाफी का जजमा है बिल्कुल और है उस इजमा से इजमा से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इमाम शाफी का की मुराद इजमा से बिल्कुल और है और इन आपको जो है इमाम शाफी का अगर इजमास समझना होगा तो इमाम बुखारी समझाएँगे कि इमाम शाफी का जो है वो इजमा किया है इसी तरह इमाम शाफी ने जो लफ्स क्या से इस्तेमाल किया है वो किन मानों में किया है बुखारी के अंदर वो इशारे मौजूद हैं यानी इमाम शाफी जो है वो इसको जो है वो दूसरे दर्जे की चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है वो कहते हैं कि ये मसावत है क्या मतलब कि जो चीज़ किसी की तशरी होती है किसी का जो है वो अमली हल होता है या अमली नमूना होता है तो वो चीज़ जो है वो उसकी फरा नहीं होती वो उसके मुसावी होती है वो चीज़ तो इसलिए क्यास के अंदर असल चीज़ जो है वो अंदाज़ा और मसावत है और इसलिए इमाम शाफी ने बल्कि क्यास को इन मानों में इस्तेमाल किया है कि तमाम की तमाम वो चीजें जो शरीयत के अंदर मुसावत मौजूद हैं उन्हीं को लागू करना जो है यही क्या है लेकिन कोई चीज शरीयत से बाहर से लाकर अगर आप दाखिल करेंगे वो सारे के सारा फसाद पैदा करेगी तो इसलिए फसाद पैदा हुआ है जब राय को जो है वो शरीय से खारिज कर दिया गया और जिन लोगों ने जो है वो इश्ते जो है वो इतलाक के बारों में दिया है और उनके नजदीक जो है वो तल्फ की ज़रूरत ही नहीं है इमाम बुखारी की जितनी पूरी की पूरी किताबें आप देखिए इतिहाद ही इतिहाद है लेकिन क्या है एक नुकता इमाम बुखारी जो उलमा के अंदर देरबास होता है या जो पैदा हो गया है सवाल के तौर पर इमाम बुखारी उस उसका जवाब जो है वो किस तरह देते हैं कुरान की आयत लाकर और हदीस पेश करके जो है वो जवाब दे देते हैं और उससे जो है वो सारी बात खुल जाती है ये इमाम बुखारी के इतिहादात हैं हम तो असल में फ़िकी अख्तिलाफ़ा के अंदर पढ़कर इस चीज़ को भी भूल गए हम ये तलाश करते हैं जी बुखारी की हदीस की जो है वो बाप से मुनासबत है नहीं। कि नहीं हालांकि इमाम बुखारी ने जो उनवान कायम किया है उनके जेन में ये चीज़ पहले से मौजूद है कि उनवान के लिए जो है मैंने कौन सी हदीस जो है वो पेश करनी है तो वो जो हदीस पेश करते हैं वो असल में इतहाद होता है और हम उसको कहते हैं कि भी आ, बुखारी की जो है वो बाब और बुखारी की जो हदीसें हैं उनकी मुनासबत हम तलाश करें मुनास्बतें तो असल में काम है अहलराय का उन्होंने फ़िका के साथ मुनास्बतें पैदा करके जो है ना किताबत के अंदर जो है वो हाल चलाए हैं इमाम बुखारी का ये काम नहीं है इमाम बुखारी तो असल में खुद आपके सामने इतिहादी रवैये पेश करते हैं जो सवाल उनके सामने आया है उसका जवाब उन उस हदीस में था जो उनके सामने थी इसलिए उन्होंने उसका जवाब पेश कर दिया है मुताला बुखारी में असल देखना चाहिए कि माम बुखारी कौन से सवाल के ऊपर कौन सी हदीस फिट कर रहे हैं ये देखिए नहीं मतलब कि उनका इस ये जो सवाल है हदीस से वो कैसे हल हो रहा है यानी हदीस के अंदर देखे ना इमाम बुखारी ने जो सवाल उसको कहते हैं मसले के तौर पर मसले के तौर पर जो इमाम बुखारी ने एक चीज को पेश कर दिया तो उसका जवाब जो है वो उसी अदीस में होता है ये आ, मकसद तो ये है ये तो मकसद नहीं है कि भी आपने मुनासबत है कि नहीं <laughs> ये तो ऐसी बात है कि जैसे इमाम बुखारी ने को पहले अधिसें जमा कर रही हों और फिर बाद में जो है वो मानात कायम की हों और उन मुनास्पत जो है वो ढूंढते फिर यह काम हुआ ही नहीं बल्कि इमाम बुखारी ने तो असल में ये जो तबवीप जो क़ायम की है एक एक तबदीप के लिए इमाम बुखारी ने जो है वो इसखारा किया है और मस्जिद नबी के अंदर बायदा इमेने वसर कर करके इसखारे कर करके कर कर वो एक एक तबदीप जो है वो क़ायम करते हैं इबनर का भी तो यही है मैं आपको बताऊँ इबन हजर हो चुका और जितने भी न, ये फ़कहा है ना ये फ़िका के अंदर उलझे हुए हैं मुझे तो ये अंदाज़ भी बड़ा नापसंद है कि फ्लाई इमाम का ये कौल है फलाई इमाम का ये कौल है फलाई इमाम का ये कौल है असल में ये बातें इसलिए गलत हैं कि इमामों के अखबाल जो हैं वो एक मसले में नहीं होते उन्होंने इस तरह फिका तैयार नहीं की बल्कि सुरत हाल ये होती है कि उनको जब मसला पेश आता है तो उस वक्त किसी ने जो है वो अपनी राय दे दी हाँ। और वो असल में उनकी राय के अंदर उस मसले का जवाब होता है सूरत वाक्य के, के साथ उसका तल्लुक होता है सूरज वाक्य उड़ा दो फिर उसके बाद फिका तो गोरखंडा रह जाता है सीरियस की क्या ताल्लुक रह जाता है और फिर यह कहना कि फलांक की यह राय है फलांक की यह राय है आप बताइए कि आपको तो उधर में डाल दिया आप किसकी बात माने किसकी ना माने तो उल्झन असल में सारी खुद पैदा करता है बल्कि एक आलिम तो थे इफवानी थे किंग अब्दुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे लेकिन उनकी मिसाल बड़ी अच्छी है तो उन्होंने जो है मिसाल दी कहते हैं असल में हमारे यहाँ जितना बिगाड़ है ना वो बिगाड़ हमारा अपना पैदा करता है और वो अपना पैदा करता बिगाड़ जो है फिर हम उसका जो है वो हम इलाज करना चाहते हैं लेकिन हमारा इलाज भी हकीकत में हमारे अपने पैदा करता बिगाड़ का इलाज है उन्होंने इसकी मिसाल ये दी है कि मिसाल के तौर पर एक चौक है एक चौक के अंदर किसी आदमी ने देखा कि भाई एक जो है सुतून खड़ा है और उस सुतून के ऊपर जो है वो दिया रखा हुआ है किसी ने स्तून खड़ा है और उस सतून के ऊपर किसी ने दिया रखा हुआ है और अच्छा किसी ने आकर कहा जी कि ये दिया किसलिए रखा हुआ है उस हाँ एक लग, बात मुझसे रह गई उस सतून के इर्द गिर्द तमाम पत्थर हैं और उन पत्थरों की वजह से वो स्तून खड़ा है तो किसी ने पूछा जी कि बात यह है कि आपने दिया क्यों रखा हुआ है कहा दिया रखा हुआ ताकि यहां जो आने जाने वाले लोग हैं ये पत्थरों से बच जाए उसने कहा ये पत्थर पहले आप ये बताइए कि आपने पत्थर रखे क्यों है? ये पत्थर हमने इसलिए रखे ताकि सतून खड़ा हो सके अब जरा आप सोच रहे हैं आप पत्थर इसलिए रखे हैं ताकि सतून खड़ा हो सके और सतून इसलिए रखा है ताकि दिया रखा जा सके दिए की जरूरत है क्यों अगर रस्ता वैसे मार हो पत्थरों वाला ना हो ना इसी स्तून की जरूरत है ना इस दिया की जरूरत है ये हमारी वो मुसीबतें हैं जो हम खुद पैदा करते हैं और उसके बाद कहते हैं जी इन मुसीबतों का हल निकालो इनका आसान सा हाल यह है कि यह पत्थर भी हटा दो स्टोन भी हटा दो दिया की भी जरूरत नहीं है बरह रास्ल इसलिए देखिए बरह रास्त का माना भी मैं इसके अंदर आप ओला को अपना उस्ताद समझ कर जो है वो उनसे डीलिंग कीजिए हकीकत यह है कि अगर इस तरह से आप उलमा का अहतराम करेंगे तो उलमा में से आपको कोई हल्का नहीं नजर आएगा मैं खुद अगरचे यारदीस खानदान में पैदा हुआ हूँ और मुझे पता है कि यार रजीसों के निफ़ा के बारे में क्या जज्बा हैं लेकिन निफ़ा से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और उसकी वजह असल में इमाम अब नफा की जहानत है और ये जो बेगार जितने भी पैदा किए जाते हैं ना जो इमाम अब नफा के पैदा करदा नहीं है उनके जो देखिए गलती किसी से होती है थोड़ी सी कुताई होती है और ये गलती जो है बुनियादी तौर तो पर इमाम अबू नफा की नहीं है ये बुनियादी तौर तो पर अगर गलती आप कह सकते हैं तो इब्राहिम नखी की है इब्राहिम नखी के बारे में तो कोई ये सवाल भी नहीं है कि वो मुदस नहीं थे बहुत बड़े हैं लेकिन ये एक अंदाज होता है उस अंदाज के अंदर जो है वो थोड़ी सी जो है वो जुम्बश हुई है और उससे फिर बिगाड़ बढ़ते बढ़ते जैसे मौलाना मौदूदी ने मिसाल दिया कि एक नुकते से आप अगर को ख़त खेन ना तो शुरू में तो वो फ़ासला कम होगा फिर जितना आप उस खत खे लंबा चले जाए उतना ही फासला बढ़ता जाएगा शुरू में ग़लती बहुत छोटी होती है फिर बाद में जो है वो गलती बड़ी होकर जो है वो ऐसी बन जाती है कि उसका हल ही नहीं होता आप देखिए ना हमारे यहाँ बिगाड़ क्या है बात शुरू फ़िका से करते हैं हालांकि फ़िका इब्तई चीज़ नहीं है इब्तदाई चीज़ तो वही है अगर आप वही को लें और वही से आप जो है वो इश्तहाद करके जो है आप उससे जो है वो कोई चीज़ अगर निकालते हैं वो राय भी क्यों ना हो वो बुरी नहीं होती हमारे अकायद जितने भी हैं और इसी तरह हमारे असूल जो हैं वो जितने भी हैं वो तमाम की तमाम आ, 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 आ रहा है इसलिए कि ये गौरव फिक्र का नतीजा है गौरव फिक्र का जो नतीजा होता है वो राय होती है लेकिन ये है कि वो वो आ रहा नहीं है जो आहल राय के, के, के के बारे में है अहर राय की राय तो यह है कि वो राय पहले है और किताब सुन्नत जो है वो अगर इसके मुताबिक करने के लिए जो है वो सो बनाए गए हैं ये तरीक़ेकार गलत है ये असल में ऐसी है जैसे कि आपने राय को जो है वो असल बना दिया और जो वही है उसको जो उस किताबें बना दिया और उसके बाद वही के अंदर कांटाट हो रही है और जो है वो फिका के अंदर करोड़ों अख्तलाफा के बावजूद जो है वो फ़िका ऐश कर रही है तमाम फिके जो है वो दुरुस्त हैं देखा जाए तो हम भी बुखारी का नहीं बात यह है कि अलजीज भी बुखारी को इस तरह तो नहीं पढ़ते मैं आपसे सही बात कहूँ कि मैंने चूँकि बुखारी अपने वाल साहब से भी पढ़ी अपने आपसीदुल्ला मोहदस रूपड़ी से भी पढ़ी लेकिन मैं आपको जो है वो इस वजह से नहीं कि मेरे वो बुज़ुर्ग हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका एक तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनका इखलास देखा है पार्टीबाजी उनके अंदर कतन नहीं थी उनके अंदर एक ही बात थी हाँ वो अलग बात है कि कोई इंसान किसी से अख्तलाफ करता है तो उसिलाफ के अंदर जो है वो कौन कौन सी मसरतें होती हैं जिनकी वजह से जो है वो फिर लोग उनकी मुखालफत शुरू कर देते हैं हाफदल्ला रोपड़ी की जो असल मुखालफत की वजूह है वो एक तो ये है कि ये जो रहमानिया था ना दिल्ली का वो जब से क़ायम हुआ है और जब तक वो कैम रहा है उसके मुमतिन और उसके मदीर तारिन जो थे वो हाफुल्ल् रोपड़ी थे तो इसलिए हिंदुस्तान के उलमा को यह गवारा नहीं था और चूँकि उसके अंदर मा का कोई दखल नहीं था ताजर वो लोग थे और उनका एक काम था कि आपसदुल्ल रोपड़ी के बारे में जो उन्होंने तहकी करनी थी वो कर ली कि ये आदमी जो है ये आलिम आदमी है तो इसलिए सबसे पहले तो शेख अब्दुल शेखुलरहमान जो थे ताने के बड़े भाई उन्होंने आपसदुल्ल रोपड़ी से कहा कि जी आप यहाँ शेख उलदीस बन के आ जाइए तो आपसदुल्ला साहब ने कहा नहीं कि नहीं मेरे हालात ऐसे हैं मुल्की के मैं घरेलू हालात में ऐसे में आ नहीं सकता मौलवा मसैन बटालवी के कहने पर मैंने काम शुरू किया है तो इसलिए कहा अगर आप नहीं आ सकते तो फिर ऐसा है कि ये निजामे तलीम और इम्तहान का जो सिलसिला है ये आपके हाथ में है तो इसलिए समयी सई इम्तहान जो होते थे वो और, और माँ लेते थे लेकिन सलाना इम्तहान जो है वो पूरे का पूरा और सूरत हाल ये थी कि अफसदुल्ल् मुहद्दस रोपड़ी जो हैं उनको जो है वो आ, आ, वहाँ के को इसलिए ख़ार पैदा होती थी अफदुल्ला रोफड़ी किसी की बात मानते नहीं थे और किसी को मिलना भी माना था क्या अफदुल्ला रोफड़ी से को मिल नहीं सकता यानी इस तरह से इम्तहान वहाँ दिए जाते दिए जाते थे और हाफि साहब को अल्लाह ने जो बसरत दी थी मुझे तो हकीक़त यह है कि दिल नहीं चाहता मैं खुदा ना करे किसी आदमी के जो है वो मुझे अलहदुल्लम से प्यार भी है मैंने उनसे सीखा भी है अगर अगरचे मेरे उस्ताद तो आपदुल्ला मुहदस रोपड़ी है या मेरे वालि साहब हैं लेकिन मैंने और वो माँ से मौलाना अब्दुल साहब मेरे उस्ताद हैं मौलाना अताफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है इसी तरह मैंने जो है वो आफ्त गी साहब से जहाँ मैंने जो है वो शरीय जो है वो उनसे सीखी इसी तरह मैंने उनसे जो है वो तस्किया नफ्स के सिलसिले में भी मैं हमेशा मरबूत रहता था तो हम लोगों के अंदर एहतराम मौजूद है लेकिन साफ सी एक बात है कि जितना इजरा मैंने हाफुल्ला मुहदस रोबड़ी के अंदर देखा है ये चीज़ जो है वो अलमा में बहुत कम नज़र आई है शरीयत का इजरा इस तरह नुकता जो है वो क्योंकि मैं जब पढ़ाता था तो मैंने अलहमदिल्ला अगर जो के साथ पढ़ा था जब मैं पढ़ाता था तो मुझे कोई बात अट जाती मैं उसको बहुत मुश्किल समझता साहब एक दो लफज बोलते और मेरा जिन खुल जाता तो मैं हैरान होता था कि इनको कोई इरम जो है वो ऐसा नहीं है जो गैरहर हर इरम जो है वो इनके जहन में मौजूद है हालांकि कदो कामत भी छोटा सा यानी इमाम बुखारी की तरह इमाम बुखारी भी कदो कामत के छोटे थे लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको इलम दिया था बहुत बसीरत की बात है अगर मुझे दूसरे का जो है वो अहतराम मकसूद ना हो तो मैं आपको वाक़ बयान करूँ एक बहुत बड़े आदि ने जो है वो सर्गदा कान्फ्रेंस के अंदर जो है वो ये मसला बयान कर दिया कि यह सदा तज़ीमी जो है ये शिरक नहीं है और वो आदमी जो है मैं अगर ये कहूँ ना कि पंजाब के तमाम उलावा के उस्ताद हैं बात दुरुस्त है लेकिन जब उनके मुँह से निकल गई ये बात तो जो आमतौर पर खतीब हज़रात है वो खड़े हो गए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की तो वो सारे खड़े हो गए शोर मचा दिया तो हाफिज साहब ने उसका एक इनमी नुकतः बयान किया कि मेरी मेरा असल जो मक, आ, उन्होंने एक नुकता ये बयान किया था कि ये जो आमतौर पर फ़ेल का इस्तेमाल होता है और इसमें फाइल इसम मफूल का इस्तेमाल होता है इन दोनों का फ़र्क है मिसाल के तौर पर अगर कहीं रवायत जो है वो टूटी हुई हो तो आप अरसराहू तो कह सकते हैं अरसराहू फला हालांकि अरसरा के माने जो होते हैं वो अजलाह में बुरसर के होते हैं तो मुरसर उसे बोलते हैं कि हाँ गिरा हुआ तो कहते हैं कि वहाँ आप लफ अरसला जो है वो इन के मानों में इस्तेमाल होता है लेकिन जब बुरसल कहेंगे तो मुराद ये होगी कि वहाँ से अभी मौजूद नहीं है तो उन्होंने इस नुकत को बयान किया लेकिन असल जो नुकता था वो ये था कि सदा तदीमी शिरक है कि नहीं और वो शख्स जो उसमें मौजूद था ये असल में आज से कोई इकसठ बासठ साल पहले की बात है तो मैं तो हर उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था तो मुझे उस शख्स ने दो तीन दिन पहले ही बताया और उसने बताया कि जब जब ये मसला पैदा हुआ तो आपके वाल साहब ने जो है मस्जिद कुदस के अंदर फिर तीन खुतबे दिए थे कि सदा तज़ीमी जो है वो शिरक है इसके बारे में तो वो इतफाक़ से बयान कर रहा था वाल साहब का इलम फजल इसलिए कि मैं बयान कर देता हूँ नाम कोई अर्ज नहीं है इसलिए कि उनका एक ताल्लुक भी है वाल साहब से चूँकि हमारे वाल साहब बहुत साल जो है वो पट्टी में रहे हैं पट्टी एक इलाका था यहाँ अमृतसर के करीब तो वहाँ हमारे वाले साहब जो थे वो उस्ताद थे तो वो साहिब जो हैं वो भी पट्टी के हैं उनका नाम है मौलाना यूसुफ़ अनवर साहब तो ये वाक़ा उन्होंने मुझे बताया सरगदा कॉन्फ्रेंस में कहने लगे कि मैं 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 कानफ्रेंस में मौजूद था मसला तो वहाँ ये था सदा तज़ीमी का फिर बाद में जो है आपके वाल साहब ने जो है वो तीन खुतबे जो दिए थे उनमें से एक खुतबा मैंने बस मैं कदस में आकर सुना था सदा तज़ीमी का जो है शर्क साबित किया था आपने कि सदार तजीमी शर्क है इस तरह और मसाइल हैं तो अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल किया हुआ था असल में इंसान का जो जखिलास होता है ना उसमें अल्लाह की खास मदद होती है बाक़ी अल्लाह ताला जो है वो हर एक के पास जो इलम है वो फोकुल नजीम नलीम मैंमा का तबुल नहीं करना चाहता इसलिए मैंने नाम लिया भी कोई नहीं और मेरा मकसूद भी ये भी नहीं है देखिए बाकी दुनिया के अंदर हर इंसान से गलती भी होती है कुताई भी होती है और अल्लाह ताला ने ये बात जो है वो हज़रत ख़जर आल्लाम के ज़रिए से जो है वो मूसा इस्लाम को समझाई थी चलिए तो जी एक तो बात आपको मैंने ख़ास तौर तो पर कान के बारे में जो है वो बता दी अब हमारे यहाँ जो कुछ अंदाज़ है ना मैं उस अंदाज़ को भी आपके सामने असल में ये जो एक है ना आ, जदीदियत पसंद वो अपने आप को जदीदियत पसंद का लफ्ज़ बोलते हैं हम उनको कहते हैं बोलते तो ये जो जदीदियत पसंद है ना इनका तस्वुर इशतहा इसकी खराबी वाद फ्राएँ मैंने बता दिया उनके तस्वुर इशतिहाद की बुनियादी खराबी है कि उनके नजदीक इश्तिहास जो है वो किताब सुनने से बाहर की चीज़ है जब तो किताब सनों से बाहर की चीज़ है तो उसका मतलब उसका तशसरी से कोई तल्लुक नहीं है ये बुनियादी खराबी है उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि अगर तो वो इकबाल के बारे में है लेकिन इकबाल के बारे में मैं आपने मुझे पता मुतारा नहीं करना लेकिन वो जो इकबाल का तस्वर तो इतिहाद क्या है अगर उस तो उसको आपने पढ़ना हो तो इसके लिए आ, वैसे वो जो मेरा मजमून है ना इकबाल और पार्लियामेंट उस पर एक किताबचा जो है वो हमने हाँ जीताबेर शरीत शे, शे, और पार्लियामेंट तो इस म, मजमून के अंदर जो है वो इकबाल का तस्वुर इतिहाद मैंने पेश किया है और मैंने ये बताया है कि ये असल में फ़िकी बिगाड़ हैं सारे यानी उसमें मैंने तकावल इस तरह से किया है कि मैंने बताया कि जिन मुल्कों के अंदर फिका की कानूनी असीयत है उनमें सबसे पहले तो आता है ईरान यानी ईरान के दस्तूर के अंदर गालिबा दफ़ा छः है कि उन्होंने उसके अंदर ये बयान किया है कि हमारी जो ताबीर है वो फिका जाफी होगी तो और मगर एक बड़ी ख़राबी इससे पैदा हुई है कि शरीय बारहवें इमाम के पास है और बारहवें इमाम का जो है वो आयतुल्ला जो है उनका वो बारहवें इमाम का नायब है अच्छा नायब बारहवें इमाम से कभी मिलता नहीं है लेकिन वैसे ये बात मुसलमा जो, जो वो यूं बना दी गई है कि वो वो जो कुछ लाता है वहां से लाता है लेकिन वैसे उसको मुजतः असर भी कहते हैं गोया कि उसने इश्तिहादत की है बारहवें इमाम से जो मेला नहीं है तो इसलिए ये, ये बड़ी खराबी ये है कि जब इमाम गायब है शरीयत उसके पास है और उसके बाद जो आदमी जो है वो उसके नाम पर जो है वो दुनिया की रहनुमाई कर रहा है इसको आप क्या कह सकते हैं ये शरीयत है तो इस तरह से ये खराबी पैदा हुई तो ये मैंने आपको बताया कि पहला तो तस्वुर मैंने आप ये बताया है कि ईरान का तस्वुर था जाफरीत का फिर उसके बाद ये तसवुर तालिबान ने दिया लेकिन तालिबान के अंदर एक खैर ये थी कि तालबान जो थे वो असल में रवायत पसंद थे तो उन्होंने रवायत पसंदी के अंदर इब्तह में तो खैर उनसे वैसे बहुत जातियाँ ज़ुल हुए हैं उन्होंने छोटे छोटे जो इश्तहादी मसाइल थे उन पर शदत इख्तियार करके जो है वो बहुत नुकसान किए हती कि मुसलमानों को ही जो है वो उनके हाथों नुकसान पहुँचा लेकिन वैसे बाद में फिर जब दुनिया के अंदर उनकी दुश्मनी हुई तो उनके अंदर काफ़ी कुछ जो है वो आ, आ गई थी इतदाल की बात लेकिन एक खराबी नहीं उनमें गई फ़िका एनफी संवार रही है उन पर कि फ़िका एनफी जो है ये हमारे मुल का कानून है भाई मैं आप आपको बता चुका हूँ कि फिका जो है वो इश्तहाद का हासिल होती है और चूँकि शरीयत पूरी दुनिया के लिए एक है और पूरी दुनिया के लिए एक फिका कभी हो ही नहीं सकती वैसे तो किसी एक मुल्क के अंदर भी कोई एक फिका कभी कभी नहीं हो सकती आप पार्लियामेंट में चले जाइए वहाँ शरी मसायल को पेश कर दीजिए कभी है? एक फिका नहीं रहेगी लाखों मसायल जो हैं उनका बार हो जाएगा इसी के फिका है इश्हाद का नतीजा और फिर उसके बाद यह है कि जो असल बात है जब उसको आप खत्म कर देंगे तो उसका क्या तल्क रह गया है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया उसका सिर्फ इतना रह गया कि आप कहने रहे कोई इमाम फला इमाम का कौल है और ये असल में वो बिगाड़ है जो हमारे तमाम उन फकह के अंदर पाया जाता है जो फिता के तकबुल में ज्यादा पड़े होते हैं इसलिए सही ज्यादा बात यह है कि फ़िका का तकबुल करने की बजाय सबसे पहले किताब व किताबत को बुनियाद बनाएँ और फ़िका को किताब व किताबत पर पेश करें और ये जो अंदाज़ है ये असल में आरदीस का अंदाज़ है कि अगर कोई फ़िकीर राय है तो किताब व सुनत पर पेश करें और जो किताब व किताबनत के मुताबिक हो उसे मान लें जैसे कि इमाम बुखारी का अंदाज़ यही है कि तो आप देखिए कि जो मसला पैदा होता है वो किताब व सुनत पर पेश करते हैं कुरान की आयत पर पेश करेंगे या हदीस पर पेश करेंगे और उसके बाद जो किताब व किताबनत से जो उसका जवाब मिल जाएगा इमाम बुखारी खुद नहीं कहते कि मेरा ये फतवा है लेकिन वैसे इमाम बुखारी का इशारा यही होता है कि अब ये बात है तो ये तो असल में लदीस का एक महतात अंदाज है कि वो अपनी ज़बान से जो है वो एक चीज़ जो है वो इस तरह नहीं कहते लेकिन अगर कोई पूछे तो उसको बताते भी हैं ये तो नहीं होता कि बिल्कुल गूँगे रहते हैं इमाम मालिक जो है अगरचि फतवा बहुत कम देते थे लेकिन जब कोई पूछता था तो उसको फिर बताते भी थे तो इसी तरह आमद बिन हम्बल हैं इसी तरह दिगर इम है तमाम के तमाम जो है वो मसले बताते हैं लेकिन उनका वैसे तदवीन का तरीक़ेकार यही है कि तदवीन में आम तौर पर जो है वो बस एक मसला और उसके बाद शरीयत के जो दलाइल हैं किताब सन्नत उस तो उसको पेश किया और उसके बाद जो है वो खामोश कि अब आप फैसला खुद कर लें तो ये अंदाज है ये एक तो शरीयत की सलामती की राय है कि सारी ज़िंदगी जो है शरीयत शुरू से लेकर आज तक वो तो बदलती नहीं है और फिका जो है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कभी वो उसके अंदर सुबात है ही नहीं तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने शरीयत की बजाय फिका को अपना इमाम बनाया हुआ है अच्छा जी मैंने आपको दो मिसालें दी एक तो तालिबान की और एक आपको मैंने मिसाल दी है इसकी ईरान की तो अब उसके बाद जो है वो सुर थाल ये है कि हक क्या है इकबाल बिल्कुल एक नया तस्वुर लेकर आया है इकबाल ने तवुर उसमें सारे का सारा लिया है मुस्तफा कमाल के तुर्की से मुस्तफ़ा कमाल ने असल में तुर्की के अंदर जो है वो पार्लियामेंट कायम किया अब इकबाल को जो है वो इन चीज़ों का तो पता नहीं था इसी को वाल्मीद नहीं था लेकिन मुस्तफ़ी कमाल ने जो है वो ये काम किया कि उलमा को ख़त्म करके वहाँ दानश्वरों के जरिए से जो है वो शरीत शादी शुरू कर दी और उस के साथ जो है वो जाहिर तौर पर यह नज़र आता है कि जिसके पास जबर होता है फिर वो जो चाहता है कानून पास करवा लेता है तो उन्होंने जो कानून पास करवाए उसके अंदर एक चीज़ तो ये पास है कि तुर्की के अंदर खिलाफत नहीं आ सकती और इसलिए जो सकूत खिलाफत है वो अता तुर्क ने जो है वो ये काम किया था और उसके साथ ही उसने जो है वो अरबी रस्म ख़त बदल दिया ताकि अरबी ज़ुबान भी ख़त्म हो जाए फिर अजान और नमाजें ये भी जो है वो अरबी ज़ुबान में जाती रही और उसके बाद जो है ये तय कर दिया गया कि दस्तूर के अंदर कभी भी इस्लाम का दावा नहीं होगा और यही वजह है कि इस वक्त जो तुर्की का जो सरबरा है वो इस्लाम के दावे से नहीं आया बल्कि वो असल में आया है ख़दमत इंसानी के हवाले से और ये बात जो है मुझे बड़ी पसंद है इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी मुताल किया और सीखा है वो ये सीखा कि इस्लाम का ख़दमत से कोई टकराव नहीं है बल्कि जो खिदमत है ये हकीकत में इस्लाम का एक ज़रिया है यानी इंसानी हमदर्दी ये इस्लाम का एक ज़रिया है आप जितनी इंसानी हमदर्दी जो है वो इस्तेमाल करेंगे वो तमाम की तमाम जो है वो आप देखिए कि वो इंसानी होती है इंसानी खदमत होती थी और नबी अक्रम सर सन अकेले नहीं बल्कि तमाम अम्बिया का तरीक़ार यही है कि वो इंसानी खदमात के काम जो है वो अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसकी बुनियाद पर चूँकि लोगों के दिलों में क़ुरब भी उनका हो जाता है फिर उसके बाद वो हक़ पेश करते हैं तो अगरते लोग तो मुखालफत करते ही हैं लेकिन फिर वह अपने हक़ पर जिस तरह वो सबित कदम रहते हैं फिर अल्लाह तौन को कामयाबियाँ भी है देते हैं तो नबी अक्रम सरसम के बारे में जो है वर्का बिन यही बात जो है ये तो बात हजरत खदीजा ने कह दी थी कि आप कैसे ज़ाया हो सकते हैं इन नाहमरकल्ला बकसेब वत, उमादूमा व तस्तकुल हदीसा व तकर व तो हक ये तो हजरत खदीजा ने कह दी थी और बरका बिन नौफल ने यह बात कही थी कि जब ये लोग आपको निकालेंगे काश कि अल्लाह मुझे उस वक्त ताकत दे मैं आपका साथ देने के काबिल हूँ तो नबी हक इन बड़े हैरान हुए कि ये जो मुझे सदको अमीन कहते हैं इसी उम्र में तो ये जो है ये मुझे निकाल देंगे तो उन्होंने कहा जी क्या ये मुझे निकाल देंगे अब अब मुखरजी या हूँ तो उसने जवाब दिया था कि जो आप चीज़ लेकर आए हैं इसका नतीजा होता ही एक है कि उनको निकाल दिया जाता है मुशाल सामान को निकाला गया कौन सा नबी है जिस जिसको हिजरत नहीं करनी पड़ी तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो ये है कि इकबाल का तस्वर पार्लियामेंट का है और जो बाकी तस्वरत हैं वो फिकर तस्वरत हैं और हालांकि पार्लिमेंट कोई कानून साजी करे या कोई फ़िका जाफरी हो या फ़िका हनफी हो फा जो है ये चूंकि इंसानी सोच का नतीजा होती है और असल चीज़ जो है वो वही है इसलिए दस्तूरी असी जो है हमेशा जो है वो वही की होती है व सुन्नत की होती है तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इसीलिए हर जगह पर यही एक ही बात कही है माने कुम्बिन अल्लाह व मलम याकुम बंद काफिर व मल्लम याकुम्ब मंदम व मल्लम याकुम यानी अल्लाह ताला को जो है अल्लाह के अलावा कोई चीज़ नहीं है बल्कि नबी अकरम सरसम को पबंद किया है माँ अल्लाह का साल काला शरीय फत बेह बलात तब अहाली कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है तुम इस बात के पाबंद हो कि माँ अंदर के मुताबिक जो अल्लाह ने उतारी है शरीत इसके मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी को पाबंद करो और जो लोगों को खुश की ख्वाहिशात हैं उनका ध्यान न रखो और नबी अक्रम सल सब का तरीक़ार ये था कि फसद बेमा तो मरो वार नबी अक्रम सल जो है वो इस अंदाज से जो है वो बातें कहते हैं और नबी अक्रम सला वल् ने कहीं दीन हक़ के बारे में बला ये खाफ फ़ू हूँ ना फ़िर लो मत लाएँगे मुसलमानों की शान है कि वो मलामत की परवाह नहीं करते तो अल्लाह ताला जो है वो बार तोफ़ीक दे आज इस टाइम क्या है एक चालीस हो गए एक चालीस हो गए हैं वैसे तो मैं चाहता था कि ये और भी आपसे गुफ्तू करूँ मेरे जैसल में कुछ थोड़ा सा पेट में गड़बड़ है मैं इसलिए इजाज चाहता हूँ तो आप जो इसका टाइप करवा के मुझे ज़रा दे दें ताकि मेरे सामने सवाल जल्दी आ जाए मुझे अव्वल तो नज़र ही नहीं आती ये तहरीरें जो है